You are watching Maulana Anees Bilgrami. Please subscribe. Also, don't forget to like, comment, and share. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. अम्मा बाग, आज के दर्स में मस्जिद के ताल्लुक से कुछ अहम और ज़रूरी बातें आपकी खिदमत में पेश करनी हैं। हर मस्जिद अल्लाह का घर है। दुनिया की हर मस्जिद बैतुल्लाह मस्जिदुल हराम की नुमाइंदगी करती है। हर मस्जिद मस्जिदुल हराम के ताबे है। दुनिया में जहां कहीं भी कोई मस्जिद हो, वो जब अल्लाह का घर है तो फिर यकीनन उसके आदाब और अहकाम जरूर होंगे। कोई भी जगह हो, उसके अहकाम और आदाब शरीयत ने मुतय्यन किए हैं। वो घर जिसमें हम और आप रहते हैं, वहां रहने का तरीका अलग है, और जो अल्लाह का घर है वहां जाने, वहां बैठने, वहां वक्त गुजारने के आदाब और अहकाम अलग हैं। कितने वो काम हैं जो हम और आप अपने घरों में तो कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह के घर में वो काम नहीं कर सकते। शरीयत मुताहरा में अल्लाह के घर में आने और यहाँ वक्त गुजारने और यहाँ से निकलने के जो आदाब, जो अहकाम मुतय्यन किए हैं, वो हर साहिब ईमान को जानने ज़रूरी हैं। जिन लोगों को वो आदाब और अहकाम मालूम हैं और वो उनकी रियायत रखते हुए यहाँ आते हैं, उन आदाब और अहकाम की रियायत के साथ वो यहाँ से निकलते हैं, उनका जितना वक्त अल्लाह के घर में मस्जिद में गुजरता है वो उन्हीं आदाब और अहकाम के मुताबिक गुजरता है, तो आप यकीन जानिए कि अल्लाह उनको अपने दर और अपने घर से इतना नवाजता है जिसका हम और आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जो लोग उन आदाब की रियायत नहीं रखते, अल्लाह के घर में दाखिल होने निकलने के आदाब को मलहूज नहीं रखते, यहां जो वक्त गुजारने के तरीके शरीयत ने मुतय्यन किए हैं उनकी कोई रियायत नहीं करते, तो फिर वो यहां से महरूम होकर जाते हैं। अल्लाह की जो रहमतें, अल्लाह की जो नियामतें, अल्लाह की जो बरकतें यहां मिलती हैं, वो उनसे तही दामन खाली हाथ वापस जाते हैं। इसलिए आज के दर्स में बहुत तवज्जो से अल्लाह के घर में मस्जिदों में आने और जाने और यहाँ अपना वक्त गुजारने के मुताल्लिक शरीयत मुताहरा ने हमें और आपको जो आदाब और अहकाम बताए हैं उनको समझें। सबसे पहले अपने जहन में ये तसव्वुर और ये एहसास पैदा करें, जब आप अपने घर से चलें नमाज की अदायगी के लिए, तो ये तसव्वुर अपने जहन में कायम करें कि अल्लाह के दरबार में एक मुजरिम जा रहा है अपने आप को माफ कराने के लिए, अल्लाह के घर एक गुनहगार जा रहा है मगफरत हासिल करने के लिए, एक इंसान अल्लाह के घर जा रहा है, मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं
अपने आप को माफ कराने के लिए, रहमतों को पाने के लिए, बरकतों को हासिल करने के लिए, फलाह और नजा और कामयाबी पाने के लिए मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं। जब आप अपने घर से चलें मस्जिद की हाजिरी के लिए, तो ये चंद बातें अपने जहन में बसाएं। कोशिश ये कीजिएगा कि आप जब अल्लाह के घर के लिए अपने घर से चलें, मस्जिद में हाजिरी के लिए अपने घर से चलें, नमाज की अदायगी के लिए अपने घर से चलें, तो कोशिश ये कीजिएगा कि अपने घर में ही वजू कर लें। मस्जिदों में वजू खाने होते हैं। कोई मुसाफिर आ गया जिसका यहां आसपास में कोई घर दर नहीं जहां वो वजू करे, उसके लिए वजू खाना है। हर मस्जिद में कोशिश की जाती है, उसका एहतमाम होता है। अपने घर से वजू करके चले और फिर कोई हाजत यहां पेश आ गई तो उसके लिए वजू खाना मौजूद है। बहुत ज्यादा सवाब कमाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नेकियों को हासिल करने का जज्बा दिल के निहा खानों में करवटें ले रहा है, तो फिर वजू कहां करेंगे? अपने घर में वजू करें और वजू करके चलें और जहन ये बनाएं कि अल्लाह के घर जा रहा हूं, नमाज भी अदा करूंगा, दीन की कोई बात भी सीखूंगा, किसी ना किसी नमाज में जब मौका होगा। इस तसव्वुर से आप जब अपने घर से चलेंगे, आपका जो भी कदम उठेगा, करोड़ दुरूद और सलाम हो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने खुशखबरी सुना दी, तुम्हारे हर कदम पे तुम्हारा रब तुम्हें एक नेकी से मालामाल कर देगा। हर कदम पे तुम्हारा रब तुम्हारे एक गुनाह को माफ कर देगा और हर कदम पर तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर देगा। ये सवाब क्यों मिला? कि आप अपने घर से बावजू होकर चले हैं अल्लाह के घर में हाजिर होने के लिए। उनकी नवाजिश तो देखें, उनका करम तो देखें, उनकी इनायतें तो देखें। अभी मस्जिद में आए नहीं हैं, बस मस्जिद में आने का इरादा है। इन नमल आमाल बिन्नियात, तमाम आमाल का दारो मदार नियतों पर है। अल्लाह हर कदम पर ऐसे नवाजेंगे। जाहिर बात है कि जब आप अपने घर में ये इरादा, ये तसव्वुर कर लेंगे कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूं जहां मेरी जात से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी भी जाविये से कच्ची प्याज, कोई बदबूदार चीज, बीड़ी, सिगरेट पीके मुंह साफ किए बगैर आप यहां आ ही नहीं सकते, क्योंकि आपको मेरे मुस्तफा की तालीमात की रोशनी में ये बात मालूम हो चुकी है कि हम जहां जा रहे हैं वहां इंसान ही नहीं, वहां फरिश्ते भी हमारे साथ होते हैं। न फरिश्तों को कोई तकलीफ पहुंचे, फरिश्तों को बदबूदार चीज से तकलीफ पहुंचती है, तो अपना मुंह कायदे से साफ करें। हर बार मस्जिद में आने से पहले पहले अपने मुंह की सफाई करें। हमारी जात से अल्लाह के घर में किसी को तकलीफ न पहुंचे, हालत नमाज में किसी को तकलीफ न पहुंचे। जब आप ये तसव्वुर अपने घर में बनाएंगे, मैं आपको सच बताता हूं, ये हमने जो जेमर लगा रखा है इसकी जरूरत ही नहीं पेश आएगी। किसी इमाम को यह समझाने की जरूरत नहीं पेश आएगी कि यहां मोबाइल की बेल नहीं बजनी चाहिए, यह भी कोई समझाने की बात है। मसाजिद में मोबाइल बनाकर उस पर टक का निशान कहीं चस्पा नहीं करना पड़ेगा। ये तो उन लोगों के लिए है जो मस्जिद को नहीं पहचानते, मस्जिद के आदाब को बिल्कुल नहीं जानते। उनका मोबाइल तो इसी हाथे में बज सकता है, लेकिन जो अल्लाह के घर की अजमत और रिफात को, जो अल्लाह के घर के मकाम को, उसकी हैबत को, अपने गुनाहों के माफ होने के मकाम को जानता और समझता है, अल्लाह का कुर्ब जहां इतना मिलता है कि हालत सजदा में ये पेशानी रहमान के कदमों पर आ जाती हो, उस नमाज की हालत में किसी का मोबाइल बच सकता है? नहीं बच सकता। वो कहां बंद कर लेंगे? अपने घर पे ही। जब दुकान से चलेंगे तो वहीं, बाजार में मौजूद हैं तो वहीं से अपना मोबाइल बंद कर देंगे, ताकि मैं भी मस्जिद में जाके डिस्टर्ब ना हूं
और मेरे मोबाइल की बेल से किसी नमाजी को कोई तकलीफ ना पहुंचे, ये सब कुछ यहां आके नहीं तय करना है, ये सब कुछ अपने घर से निकलने से पहले, दुकान से चलने से पहले, बाजार से चलने से पहले अल्लाह के घर की हाजिरी का तसव्वुर बनाएं और ये सोचें कि हम कहां जा रहे हैं, क्या लेने जा रहे हैं। बावजू हो के चले, हर कदम पर उनकी इनायतें नवाजिशें मिलती नहीं। जब आप मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचे, मस्जिद के ताल्लुक से दो बातें जहन में रखिएगा, एक है मस्जिद की प्रॉपर्टी और एक है उस प्रॉपर्टी में मस्जिद, दोनों में फर्क है। मैं आपसे पूछता हूं, इस हकीकत को समझाने के लिए एक सवाल करता हूं, क्या मस्जिद में चप्पल जूतों के साथ दाखिल हो सकते हैं? नहीं दाखिल हो सकते हैं। लेकिन हम और आप तो दाखिल होते हैं एक हद तक, उसके बाद उतार देते हैं। जहां हम और आप चप्पल जूतों के साथ मस्जिद के गेट से दाखिल हो रहे हैं, वो मस्जिद की प्रॉपर्टी तो है लेकिन मस्जिद नहीं है, उसके अहकाम अलग है प्रॉपर्टी के। और जहां नमाज अदा की जाती है, मस्जिद की प्रॉपर्टी में जितने हिस्से को नमाज की अदायगी के लिए मुख्तस कर दिया है वो मस्जिद है, जहां सजदा किया जाए, जहां नमाज अदा की जाए। तो प्रॉपर्टी जहां तक है उसमें जितना हिस्सा मस्जिद का है उसके आदाब और अहकाम समझिए। जहां पे आप चप्पल जूते उतार देते हैं, जहां से चप्पल जूते उतार के आप अंदर दाखिल होते हैं, यह है वो असल मस्जिद जिसके मुस्तकिल अहकाम हैं। जहां चप्पल जूते उतारने की जगह मुंतजिमा कमेटी ने, जिम्मेदारों ने मुतय्यन की कि यहां से मस्जिद की असल हद शुरू होती है, वहां पर कोई जुनूबी आदमी जिसको नहाने की हाजत है, जो नापाक है, वो वहां खड़ा रह सकता है, खड़ा हो सकता है। लेकिन मस्जिद जो असली मस्जिद है और इबादत का, वो जुनूबी उसमें कदम नहीं रख सकता, वो नापाक वहां कदम नहीं रख सकता। चप्पल जूते पहन के बेशक आप उस हद से बाहर खड़े रह सकते हैं, पहन के आ सकते हैं, लेकिन जैसे ही असली मस्जिद की हद में दाखिल होना है, वहां चप्पल जूते नहीं, वहां से आप कायनात के एक दूसरे हिस्से में आ गए, दुनिया के एक दूसरे खित्ते में आ गए। वो जो हद है जहां से आप चप्पल जूते उतार के मस्जिद में दाखिल होते हैं, वहां के पांच आदाब हमें और आपको बरपा करके ही अंदर आना है इंशाअल्लाह। देखिए उसूल ये है, हम और आप अल्लाह के घर आ रहे हैं तो जिसके घर जा रहे हैं पहले उसका नाम लें। जानवरों की तरह, पागल मजनू और दीवानों की तरह अंदर नहीं दाखिल होना है, मोमिनाना शान के साथ अंदर आना है। अल्लाह का बंदा, नबी का उम्मती, अल्लाह के घर में नबी की तालीमात के मुताबिक अंदर आ रहा है। जिनके घर में आ रहे हैं पहले उनका नाम लें और पढ़ें बिस्मिल्लाह। कहिए हर बार, जितनी बार आप मस्जिद में दाखिल हो, हर बार आपको क्या पढ़ना है, कहां पढ़ना है? जहां चप्पल जूते उतारते हैं वहां से दाखिल होने से पहले पहले। तर्जमा आपको मालूम है, मैं अल्लाह के नाम से अल्लाह के घर में दाखिल होने का इरादा कर रहा हूं। ये बिस्मिल्लाह जिस काम से पहले पढ़ा जाता है वो काम से मुताल्लिक हो जाता है। खाने से पहले आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, उसका मफहूम मैं अल्लाह के नाम से खाना खाने जा रहा हूं। मस्जिद में दाखिल होने का इरादा है और आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा तो उसका मफहूम यह होगा मैं अल्लाह के नाम से अल्लाह के घर में दाखिल होने जा रहा हूं। अल्लाह के घर की अजमत, इसकी शान और इफात और ज्यादा दिल और दिमाग में पेवस्त हो गई जब आपने अल्लाह के घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का नाम ले लिया और बिस्मिल्लाह पढ़ लिया। लेकिन क्या सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर आ जाएंगे? अगली बात पर खुसूसी तवज्जो दीजिएगा। वहां आपने बिस्मिल्लाह पढ़ ली और बिस्मिल्लाह पढ़ के ही अंदर दाखिल हो जाएंगे? नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद
अभी मस्जिद में दाखिल होने से पहले आपको अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश करना है वही, क्योंकि अल्लाह के नाम के साथ मेरे मुस्तफा का नाम, उनकी याद, उन पर दुरूद और सलाम, ये इस वजह से है कि निजाम इबादत जितना भी है, तरीके जिंदगी कितना है, वो सब जिस नबी के सदके में मिला हो, वो जिस रसूल के तुफेल मिला हो, जिसकी तालीमात के नतीजे में हमें वजू करने का तरीका मालूम हुआ, जिस नबी की तालीमात के नतीजे में हमें इबादत करने का तरीका मालूम हुआ, नमाज की अदायगी का सलीका जिनकी तालीमात की रोशनी में हमें और आपको मिला, उसी नबी की बारगाह में सलातो सलाम भेजना है। रिवाज को छोड़िए, जो तरीके हम इंसानों ने राइज कर रखे हैं उनको छोड़िए, नबी का तरीका अपनाइए। कितने लोग हैं जो मस्जिद में दाखिल होने के वक्त नबी का तरीका अपनाते हुए पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और उसके बाद सरवरे कायनात फख्र मौजूदात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम भेजते हैं। अगर ये सलातो सलाम आपने वहां भेजा, मैं आपको यकीन से बताता हूं कि आपका वक्त मस्जिद में नबी के तरीकों के मुताबिक गुजरेगा, क्योंकि दाखिल होने से पहले जो आपने उन पर सलातो सलाम भेजा है, जो मतलूब है, वही सलातो सलाम आपको याद दहानी करा देगा। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारी चौपाल नहीं है, ये इहाता तुम्हारी बैठक नहीं है, ये अल्लाह का घर है। यहां दाखिल होना तो अल्लाह के नाम और नबी की याद के साथ, और यहां तुम्हारा जितना वक्त गुजरेगा वो अल्लाह की याद के साथ, अल्लाह का जिक्र करते हुए नबी के तरीकों के मुताबिक। अब आपको वहां पर सलातो सलाम भेजना है, कहिए वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। सलातो सलाम भेजा, सलातो सलाम पढ़ा। क्या किसी इंसान को यह इख्तियार हासिल है कि वो आपके बारे में जो आप ये अमल कर रहे हैं ये कह दे कि ये लोग सलातो सलाम के मुनकिर हैं? कहां मुनकिर हैं, आपको तो तलकीन की जा रही है, आपको तो दावत दी जा रही है, आपको तो नबी की सुन्नत और प्यारे रसूल का तरीका बताया जा रहा है। जब कभी मस्जिद में दाखिल होने का इरादा करो तो अल्लाह के नाम के साथ उसके प्यारे महबूब पर दरूद सलाम भेजो, जिस अजीम रसूल का तज़किरा अजान में हो, जिस अजीम रसूल का तज़किरा इकामत में हो, जिस अजीम रसूल पर सलातो सलाम नमाज में भेजा जा रहा हो और उसकी हिदायत दी गई हो। तो क्या दाखिल होने पर सिर्फ अल्लाह का नाम लेंगे? नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़िए और फिर अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम भेजिए। अब दोनों को मिला के पढ़िए, बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या अब दाखिल हो सकते हैं? नहीं। अब दुआ मांगिए, हर वो दुआ जो सलातो सलाम के बाद दुरूद पाक के बाद मांगी जाए वो दुआ अल्लाह की बारगाह में जरूर कबूल होती है। जरा दुआ के अल्फाज और फिर उसका थोड़ा सा मफहूम कहिए, अल्लाहुम्मा फ्तहली अबवाब रहमतिक। इसका तर्जमा समझिए, फिर इसके मुताबिक जरूरी बात। ये दुआ जो मैंने अभी आपको अर्ज की, बहुत से नमाजियों को याद भी है, पढ़ते भी हैं, जिनको नहीं याद है अब उनको याद हो जाएगी। इसका तर्जमा ये कि ऐ अल्लाह, आप मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए, ये है इसका तर्जमा। ऐ अल्लाह, आप मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। मफहूम, मस्जिद के एक से ज़ायद भी दरवाजे हो सकते हैं, जैसे इसी मस्जिद के तीन दरवाजे हैं, मेन गेट ये है, एक रास्ता मदरसे से है और एक ये सामने से भी है, किधर से भी आए इन दरवाजों को मस्जिद के खादिम खोलते हैं। मस्जिद के इन दरवाजों को कौन खोलता है? मस्जिद के खादिम वही खोलते हैं।
हर मस्जिद का कोई ना कोई खादिम होता है जो इन दरवाजों को खोल देता है। खादिम मस्जिद इन दरवाजों को तो खोल सकता है, लेकिन मस्जिद के किसी खादिम में ये सकत नहीं, मस्जिद के किसी खादिम के इख्तियार में ये बात नहीं कि वो इन दरवाजों को खोलकर अल्लाह की रहमत के दरवाजे भी खोल दे।